इंडस्ट्रीज ने काफी बूस्टअप किया है एग्रीकल्चर को, कैसे देखते हैं, बाय राइजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। देखिए एग्रीकल्चर में यूज होने वाले इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स, मशीन्स, टूल्स एटसेट्रा, सब का प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में होता है और इन मशीन से खेती करनी आसान हो गई है, पैदावार भी बढ़ गई है, पैदावार भी आगे से पहले से काफ़ी बढ़ गई है। इन सब से फार्मर्स का लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हुआ है। प्रेजेंट टाइम ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, जब इंडस्ट्री कुछ प्रोड्यूस करती है तो उसे लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना होता है, क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होता है। हमारी इंडस्ट्रीज को मोर एफिशिएंट और कॉम्पिटेटिव होना पड़ेगा, हमारे मैन्युफैक्चर गुड्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि इंटरनेशनल मार्केट में हम कम्पीट कर सकें, तभी हम अपना बेस्ट अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। पिछले दो दशक से जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर 17% पर ही स्टेबल है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी में 17% कंट्रीब्यूट करता है। प्रेजेंट टाइम में इंडियन इकोनॉमी 27% है और 17% उसमें से इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन अपना दे रही है, बाकी 10% माइनिंग, क्वेरिंग और इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से हमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है और ये काफ़ी कम है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से हमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, फिर भी ये काफ़ी कम है क्योंकि ईस्ट एशियन कंट्रीज ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट हासिल किया है। जीडीपी ऑफ इंटायर इंडस्ट्रियल सेक्टर टू द इंडियन इकोनॉमी इज 27%, उसमें से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दे रही हैं वो खाली 17% है, बाकी 10% दूसरी इंडस्ट्रीज दे रही हैं। अपनी कंट्री से उनका काफ़ी हाई अचीवमेंट है, उनका काफ़ी हाई अचीवमेंट है अपनी कंट्री से। उन कंट्रीज ने 25% से 35% अचीव किया है, उन्होंने उनका जो अचीवमेंट है वो 25% से 35% है, जो कि ऑलमोस्ट डबल ग्रोथ है। जबकि ये कंट्रीज ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, इनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है और इनके पास लैंड भी ज़्यादा नहीं है। इंडिया के मुकाबले इनके पास रिसोर्सेज की भी कमी है और इंडियन वर्कर्स का काम करने का जो स्टेमिना है वो भी उनके वर्कर्स के पास नहीं है और जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो भी उनके पास नहीं है, उनके पास स्किल्ड वर्कर्स की भी कमी है, फिर भी हम पीछे हैं। इसलिए हमें इस पर काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करना होगा। जो कंट्रीज बहुत छोटी हैं वो भी डेवलपमेंट अचीव कर रही हैं, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ेंगे ताकि हम अपने टारगेट तक पहुंच सकें। पिछले डिकेड से हमारा ग्रोथ रेट जो है वो अराउंड 7% पर एनम रहा है और हम चाहते हैं ये ग्रोथ रेट नेक्स्ट डिकेड तक 12-13% हो जाए। 2003 से मैन्युफैक्चरिंग फिर से 9-10% पर एनम ग्रो कर रही है। गवर्नमेंट नई नई पॉलिसीज और इन्वेंशंस ला रही है और काफ़ी एफर्ट्स कर रही है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए और इकोनॉमिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट अगले 10 साल तक हम अचीव कर लेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने एनएमसीसी सेटअप किया है। एनएमसीसी ये
काउंसिल गाइडलाइंस एस्टेब्लिश करती है कि कैसे कंट्री लार्ज स्केल में अचीवमेंट हासिल कर सके, और ये काउंसिल टारगेट भी सेट करती है और उन्हें टारगेट कंप्लीट करने में भी हेल्प करती है। ये इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा और रिमार्केबल स्टेप है।